भूमि कहलाता था। विश्व के बाजार में हमारा 23% निर्यात का योगदान था, 23%, और आज मात्र 1% भी नहीं है। विश्व में भारत का कपड़ा निर्यात 2/3 होता था। मैं कपड़े को संस्कृति से जोड़ता हूं। कपड़े का अर्थ है अपने शरीर को ढकना, जो सुसंस्कृत का प्रतीक है कि आप कैसे सभ्य हैं, आपका पहनावा कैसा है, आप अपने जीवन को, अपने तन को ढक सकते हैं। विलियम जोन्स ने हमारे सारे के सारे ग्रंथों को दोबारा लिखवाया अपने ढंग से। जब लिखवाया जाता है तो उसको अपने ढंग से लिखवाया जाता है, जिससे यह दिखाई दे कि उसमें कुरीतियां हैं। हिंदू तो पिछड़े हुए हैं, गुलाम हैं। और मैकाले ने तो हद कर दी, उसने आते ही सबसे पहले क्या किया, हमारी सारी की सारी शिक्षा पद्धति को समाप्त किया। उसने अपने पिता को पत्र लिखा कि मान्यवर, अगर मेरी शिक्षा पद्धति 30 वर्ष तक इसी प्रकार निर्बाध गति से भारत में चलती रही तो आप देखना कि 30 वर्ष तक बाद भारत में काले अंग्रेज पैदा होंगे, जिनकी शक्ल सूरत तो भारतीयों जैसी होगी, लेकिन हृदय, उसकी खान पान, व्यवहार, आचरण और सोच जो है अंग्रेजों की तरह हो जाएगी, और वह अंग्रेजों के ही कार्यों पर, अंग्रेजों के कहे अनुसार ही सब कार्य करेंगे। और वास्तव में उसने ऐसा कर दिखाया। आज देश के सामने अनेक सांस्कृतिक मूल्यों की कि हमारे सामने पहचान की एक समस्या है, भाषा की समस्या है। क्या हम अपने आप को कह सकते हैं कि आजाद भारत में आजादी हमने इसलिए प्राप्त की थी? आज हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार, चाल ढाल, भाषा, अत्यंत कष्ट होता है कि जब एक गांव का एक व्यक्ति रोता हुआ, बिलखता हुआ किसी अफसर के सामने गिड़गिड़ाता है कि साहब मेरी समस्या ये है, और वो कहते हैं कि तुम इसको लिख के ले आओ। अब लिख के कौन ले कर आएगा? अंग्रेजी भाषा में पत्र लिख के लाएगा, हिंदी लिख के लाओगे तो उसको वैसे ही वो दाएं बाएं डाल देते हैं, उसका महत्व नहीं है। और जिस देश में जिस उनकी अपनी स्वभाषा का निरादर हो, आदर ना हो, वह देश वास्तव में स्वाधीन नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि अभी भी हम पूरी तरह से स्वाधीन नहीं हुए हैं। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, लेकिन गुलामी से, जो उनके संस्कारों की गुलामी है, वो अभी तक छाई हुई है। बात संस्कृत की होती है, संस्कृत तो बहुत दूर की देववाणी है। संस्कृत के लोप होने से हम अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी संस्कृति से अलग हो गए, परंतु हिंदी और भारतीय भाषाएं, उनकी स्थिति क्या है आज अंग्रेजी में? आज हम अपने बच्चे को पैदा होते ही सब, प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है कि इसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी की शिक्षा दिलाई जाए, अंग्रेजी में बढ़कर ये लाट साहब बनेगा, बड़ा बनेगा। ऐसी स्थिति में अत्यंत कष्ट होता है कि हमारी ये स्थिति कहाँ है। गांधी जी ने 3 शब्द कहे थे, अंग्रेजी, अंग्रेज, अंग्रेजी, अंग्रेजियत। देश में शिक्षा बढ़ी, हिंदुओं के अंदर एक देशभक्ति का ज्वार आया। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी, लाल बाल पाल, डॉक्टर केशव, इन सब ने एक मार्गदर्शन किया। लोगों ने कहा कि अंग्रेजों को दूर किया, अंग्रेजों को तो हमने दूर कर दिया, लेकिन 70 साल बाद जहां पे अंग्रेज छोड़कर गए थे उससे 10 गुना ज्यादा अंग्रेजी और अंग्रेजियत बढ़ गई। यानी कि निज भाषा के ऊपर हमारा कोई भी प्रेम नहीं रहा, और अंग्रेजियत, अंग्रेजियत का अर्थ है उनके सांस्कृतिक मूल्य। आज भी हम उन्हीं के सांस्कृतिक मूल्यों की ओर को अपनाते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे घर के अंदर छोटे मोटे हमारे बर्थडे हो, चाहे हम कोई भी कारण करें, उसके अंदर जो सांस्कृतिक मूल्य है वह ना दिखाई दे के अंग्रेजों के ही सांस्कृतिक मूल्य दिखाई देते हैं। ये देख दुर्भाग्य की बात है। संघ इस दिशा में लगा हुआ है, परिवार प्रबोधन के नाम पर और संघ के स्वयंसेवकों के जागरण के कारण आज शहरीकरण की जो समस्या हुई है उसके कारण ये स्थिति जो है अत्यंत कष्ट में हो रही है, खराब हो रही है। लेकिन आज संघ और उनके अनेक हमारे
संघ की प्रेरणा से प्राप्त संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार इसको जोड़ा जाए। मुझे याद है कि मार्गरेट थैचर ने एक बारी कहा कि दुनिया में एटॉमिक पावर ताकतवर नहीं है, भारत के अंदर जो परिवार नाम की संस्था है वो बहुत ताकतवर है। पति पत्नी बच्चों का माता पिता का जो स्नेह एक छत के नीचे प्राप्त होता है वो बॉन्डिंग, वो कैपेसिटी, वो एटॉमिक बॉम्ब की शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण और ताकतवर है। उसने हमारी प्रशंसा की 1980 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आज हम अंग्रेजों का ही हम अनुकरण कर रहे हैं। समाज बिखर रहे हैं, न्यूक्लियस फैमिलीज बढ़ रही हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण यह हो रहा है कि हमारा आपस में प्रेम कम हो गया। समस्याएं आती हैं तो दुख बांटने के लिए कोई आता नहीं है। डिप्रेशन, दुनिया भर की 10 तरह की बीमारियां हमने अपने आप पाल ली हैं। कुछ तो बीमारी होती है, कुछ शरीर के कमी के कारण होती है, कुछ बीमारियां हमने बड़े प्रेम से शौक से कहा कि ये हमने पाल रखी हैं और उनके कारण जो है इस समाज का जो ताना बाना और ढांचा जो है वह बिगड़ रहा है। जो सांस्कृतिक मूल्य का एक जो सबसे बड़ा आक्रमण है वह हमारा भौतिकवाद, बाजारवाद। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो हमारे पिताजी जब तनख्वाह लाते थे तो माता जी कुछ राशन डाल लेती थी, कुछ वो मिट्टी का तेल आता था स्टोव जलाने के लिए वो डाल लेती थी और प्रसन्न होती थी कि पूरे इस महीने भर का राशन हो गया। हम लोग भी थोड़ा बहुत 2-4 कपड़े लत्ते होते थे, बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन परंतु आज बाजारवाद के कारण से ये ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक, हमारे जो पीछे रहे, लेकिन आवश्यकता से अधिक होने पे वो जो सांस उनका दोहन हो रहा है। हमारी जो संस्कृति है वो भोगवादी संस्कृति नहीं है, मेरा ये कहना है। आपको पैसे दिए हैं भगवान ने, ईश्वर ने अच्छा किया है, 2 हाथों से आप कमाइए, 4 हाथों से आप दान दीजिए, लुटाइए। लेकिन उपभोक्तावाद से क्या कारण होता है कि फिर प्रकृति का विनाश होता है। उपभोक्तावाद से जो मुझे आवश्यकता नहीं है वो भी खरीदा जाता है और एक माल कल्चर और संस्कृति का एक विकास होता है। आपको आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, अच्छा खाइए, पहनिए, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उपयोगितावाद क्या कहता है कि आप अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। इससे क्या हुआ कि हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम खराब हो रहा है। हमने उस प्रकार का तंत्र को विकसित नहीं किया। उस प्रकार के तंत्र को विकसित ना करने से अनेक प्रकार की समस्याएं आई और आज इकोलॉजिकल सिस्टम हो, पर्यावरण हो या दूसरे प्रकार परिवारों के टूटने की घटनाएं हो, ये इनका भी कहीं ना कहीं इन सब इन बातों पे है। जब हम भौतिकवाद की ओर बढ़ते हैं, जब जीवन के अंदर सिर्फ पैसे का ही अधिक महत्व रह जाता है तो कुछ समस्याएं और भी आती हैं। अत्यंत दुख की बात है कि जिन उच्च सांस्कृतिक मूल्यों के लिए हमारा देश जाना जाता था, आज हम ये देखते हैं कि लव जिहाद, आज हम वहां पे देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप। कहां तो बाहर जाती है किसी महिला को लोग अपने किसी न किसी संबंध से बुलाया करते हैं, चाची, मामी, ताऊ, ताई। मातृत्व परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पश्यति। परंतु आज बाजारवाद के कारण क्या माना गया कि इस पृथ्वी और स्त्री जो है भोग्य की वस्तु है। वास्तव में वह भोग की वस्तु नहीं है, वह तो सम्मान की वस्तु है, वह पूजा करने की योग्य वस्तु है। प्रार्थना में भी हमने यही शब्द कहा। हमारी प्रार्थना प्रारंभ भी धरती माता की अनुकंपा से, धरती माता की पूजा से उनको स्मरण करते हुए होती है। और प्रत्येक स्त्री को मां और बहन का स्थान दिया। उस देश में जब हम नारी की शक्ति की बात सुनते हैं और नारी शक्ति के बारे में उनके प्रति हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है, मैं समझता हूं कि ये जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं उसकी वजह से जो इस धरती को और नारी को भोग की चीज माना जाता है उसके कारण से ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई। परंतु मैं फिर पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति जो है बड़ी विशाल है, उदात है, उस अपरंपार है। चित्रकला, पेंटिंग,
नृत्य कला, क्या हमारी नृत्य कला जैसी कहीं और नृत्य कला है? क्या हमारी पेंटिंग जैसी पेंटिंग है? क्या आयुर्वेद जैसी पद्धति कहीं और पर है जो संपूर्ण शरीर का संचालन करती है? पूर्ण शरीर का संचालन कैसा, उसके प्रत्येक अंग को, एक अंग के बारे में सोच के पूरे शरीर के बारे में सोचती है कि आपको ये ना आए, और वो भी एक वेदों के का एक अंग होने के कारण। मैं समझता हूं कि जो हमारे महापुरुषों ने इस दिशा में कार्य किया, संघ उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं, जितने भी सेमेंटिक थे। जैसे मैंने जब धर्म की बात करता हूं तो धर्म का अर्थ हिंदू धर्म है, मुसलमान और क्रिश्चियन मजहब है, वो धर्म नहीं है, वो सिमेंटिक धर्म है। जब वह आगे आते हैं तो वो स्वामी विवेकानंद को भी, वहां के एक अंग्रेज बहुत जो अमीर था, उसने कहा कि आपको पता है ये धरती क्या है, इसका रंग, इसका आकार नारंगी जैसा है, इसलिए इसको जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया था, यस इफ इट सो, तो आई बिलीव इन द रीबर्थ। मुझे तो अनेक जन्म लेने हैं, अनेक जन्मों तक इस मुझे इस धरती माँ की गोद में ही रहना है, इसलिए मुझे जल्दी नहीं है, मैं अगले जन्मों में फिर कुछ भोग करना होगा, सुख प्राप्त करने होंगे तो बाद में प्राप्त करूंगा, इस जन्म में तो मैं भारत माँ की सेवा करने के लिए ही यहां पर तत्पर हूं। ये तो कुछ सांस्कृतिक मूल्य थे जिनकी ओर बहुत ही हम सबका ध्यान जाना अपने आस पड़ोस में है, परंतु कुछ डायरेक्ट समस्याएं भी हैं। वो क्या समस्याएं हैं? मुस्लिम्स क्रिश्चियंस, इन दोनों का उद्देश्य कोई यहां पे धार्मिक नहीं है, वो कोई सेवा करने नहीं आए, वो समाज को तोड़ने आए हैं। मुसलमानों का तो सीधा सीधा ही है, राज्य की स्थापना करना, नियंत्रण करना, पूजा पद्धति थोपना, और जो नहीं मानता उसको मारना, तो उनके धार्मिक कृत्यों में आता है, और तेजी से बेतहाशा आबादी बढ़ाना। क्रिश्चियन इस कार्य को बड़ी चतुराई के साथ करते हैं, क्योंकि दुनिया में उनके पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी थी, हमने उनका अनुसरण किया, तो वो बड़ी चतुराई से कुछ धन देकर, कुछ लालच देकर, कुछ स्कूल लेकर, कुछ एडमिशन देकर, और अपनी सुपरमेसी दिखाकर जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो थोड़े दिन बाद हमें पता नहीं लगता कि इन भोले भाले जो हम जिन्हें हम समझते हैं कि अरे वाह ये तो कोई प्रभु के अवतार हैं, थोड़े दिन बाद आपकी जेबों में कुछ धन और लालच डालते डालते पता नहीं आपके गले में कब क्रॉस लटका देते हैं, ये पता नहीं लगता। तो बंधुओं, हमने कभी भी इन धार्मिक आक्रमणों का मुकाबला सदा किया, भारत कभी भी झुका नहीं। 1500 साल से हम युद्ध ये जारी है, सुर असुर संग्राम जारी है, चाहे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, पूरा समाज को वातावरण, और उसके बाद के सांस्कृतिक कार्यक्रम, राणा प्रताप, शिवाजी, बंदा बैरागी, इन सब ने जो एक बड़ी भारी श्रृंखला की और तग और त्याग किया, मैं समझता हूं कि वो श्रृंखला आज भी जारी है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर हैं डटे रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है, पांव उनके उखड़ रहे हैं, डर आप रहे हैं। अब आप कहेंगे पांव कहां उखड़ रहे हैं? अगर आप विश्व में देखिए तो बताइए कहां पर उनके पांव नहीं उखड़ रहे। क्रिश्चियनिटी का यह हाल है कि उनके चर्च में अगर आप यूरोप में जाएं तो 10 आदमी दिखाई नहीं देते, बोली लग जाती है और नीलाम हो रहे हैं। मुसलमानों की क्या स्थिति है? जिस देश में भी जहां पर है वहीं पिट रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो। अंग्रेजों ने और अपनी धूर्तता के कारण कपट से इन कपटियों का ही हाल किया। अच्छा है कि ये दोनों शक्तियां आपस में लड़ मिले, मिस्र में तख्ता पलट, अल्जीरिया में तख्ता पलट, यमन में शानी, अफगानिस्तान, चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस समय पिछले 1000 साल में जितनी दुर्व्यवस्था और जितनी अधोगति में को वो प्राप्त हो रहे हैं, हां आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप जहां पर खड़े हैं उसको डट के मुकाबला कीजिए। उनकी जो वोट बैंक की राजनीति है उसको तोड़िए। वोट बैंक की राजनीति के तोड़ने ही वो ताकत के बल पर करते हैं बात। जब ये वोट बैंक की ताकत जाएगी
तो उसका परिणाम आप पिछले 2-3 वर्षों में बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब आप करेंगे मैंने कि इनका दोनों का क्यों जिक्र किया, क्योंकि हमें मुस्लिम और ईसाई से समस्या नहीं है, उनकी उस मानसिकता से समस्या है कि आप यहां रहते हैं लेकिन आपकी जो निष्ठा है वो कहीं दूसरी हो रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। आपकी निष्ठा क्या है? आपको ये गलत फहमी है कि हमने भारत में 500 वर्ष राज किया था और अब फिर हम भारत को हम राज्य कर लेंगे, ये आपकी जो सोच है इसको दूर करना पड़ेगा। और ऐसी सोच दूर हुई है। कोकराझार में जब असम के लोग खड़े हो गए तो 4 लाख लोगों को भागना पड़ा, इन्हीं लोगों को जो अपने आप को 30 मार का समझते। मुजफ्फरपुर में जब कुछ लोगों को मारा गया, हिंदू जब पहली बार पिटे तो एक महापंचायत हुई, हिंदू शक्ति का परिचय हुआ। उसने कहा उस पंचायत में जाट गुजर वाल्मीकि त्यागी ब्राह्मण सब वैश्य खड़े हो गए कि भाई अब एकजुट हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ वह आप सर्वविदित है, वो आज तक भुगत रहे हैं। अर्थात आप अपने स्थान पे डटे रहे, अपनी शक्ति का परिचय देते हैं, और इसके पीछे इन सब घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं संघ का ही हाथ रहता है इसमें कहने में, और ये सारी दुनिया जानती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश पे राज्य किया, हमें पराजित किया, हमें तंग किया, हमें दुख पहुंचाया, किस वजह से? हमारी फूट का फायदा उठाकर। तो क्या हमें समझ नहीं है कि उनकी फूट का फायदा उठाया जाए? वो भी वैसे ही हमसे ज्यादा उनके अंदर फूट है। दुनिया भर की जातियों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी का तो इस प्रकार का बैर है कि अगर आप जाएंगे तो आपको पानी पिला देगा, लेकिन वो आपस में नहीं मिलते हैं। आप भी उनकी फूट का फायदा उठाइए भैया। अगर पान खाने से मुसलमान हो जाता है तो आप भी गंगा जल और तुलसी उनके मुंह में डालिए ना, कहिए कि अब आप हिंदू हो गए। डरने की और बिगड़ने की बात नहीं है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना आवश्यक है। इसके अंदर एक विषय और मैं लूंगा, इस समस्या के साथ ही जुड़े हुए कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि कृष्ण भूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर है। वास्तव में ये समस्याएं समाप्त नहीं हुई है। मुझे 1990 की घटनाएं याद है, मैं अत्यंत युवा होते हुए भी सारी रात 15 दिन तक अपने घर में नहीं गया। देश के प्रत्येक स्वयंसेवक ने अथक मेहनत और प्रयत्न किया और पूरे के पूरी यूपी को राममय बना दिया, लेकिन क्या वो हमारा स्वप्न पूरा हुआ? वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ, वह अधूरा है। उसको पूरा करना है। उसके पूरे करने के लिए जो जो कार्य हम कर सकते हैं अपने समाज के अंदर और संघ जो हमें कार्य सौंपेगा उसके लिए तैयार रहे। हो सकता है कि आगे आने वाले वर्षों में ये संघर्ष बढ़े, क्योंकि कोर्ट क्या है, अगर कोर्ट में जाना होता तो 1990 में ही कोर्ट में चले जाते। संघ ने जो इस राम जन्मभूमि के मुक्ति का जो आंदोलन खड़ा किया था, बंधुओं आपको अपने नेतृत्व पर विश्वास होना चाहिए कि वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। उसकी पूर्ति होगी, अवश्य होगी, समय की आवश्यकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते क्या हैं कि रामलला आएंगे तुम्हें स्वतंत्र कराएंगे। ये भी एक बड़ी मूर्खता की बात है कि हम भगवान राम को स्वतंत्र कराएंगे। हम भगवान राम को स्वतंत्र नहीं करा रहे। मूर्ख तो हम हैं कि हम हजारों साल से गुलामी की दास्ता में बिछड़े हुए पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे। हां, रामलला को जब स्वतंत्र कराएंगे तो उससे हमारी भावनाएं जो आंदोलित होती हैं, हमें लगता है कि हमने स्वतंत्र कराया। रामलला को स्वतंत्र नहीं कराया, वास्तव में हमने अपनी उस दास्ता को मुक्त कराया कि जो हमारे अंदर डर था, भय था, हम दुश्मन के सामने टिक नहीं पा रहे थे, वो दूर हो। इसलिए रामलला स्वतंत्र नहीं होंगे। वास्तव में हिंदू दास्ता जो है उस दिन स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। हम दास्ता की बेड़ियों को तोड़ेंगे। तो वास्तव में ऐसे व्यक्तियों पर आप क्या विश्वास कर सकते हैं जो कहते हैं कि हम कोर्ट पर विश्वास करेंगे, जो एक समान नागरिक संहिता का विश्वास नहीं करते, कोर्ट पर विश्वास नहीं करते? और राष्ट्र के मान बिंदुओं पर विश्वास नहीं करते, क्या आप उन पर विश्वास कर सकते हैं कि वह इस देश के गणतंत्र पर और देश की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं?
बंधुओं, इसके अंदर हमें कोई गलत फहमी पालने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत फहमी 1947 से पहले देश के राजनीतिज्ञों ने पाली थी। उन्होंने क्या पाली थी कि नहीं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस का साथ आवश्यक है, उनके बिना आजादी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस चीज को परम पूजनीय डॉक्टर जी ने तोड़ा था। उन्होंने हमें एक नया मंत्र दिया था कि इस देश का निवासी हिंदू है, हिंदू अगर खड़ा हो जाएगा तो यह राष्ट्र खड़ा हो जाएगा, बाकी सब लोग तो आपके पीछे अपने आप अनुगामी होकर आपका पीछे अनुसरण करेंगे। हां, पहले हिंदू समाज को जागृत करना एक आवश्यक है। तो मैं समझता हूं कि रामलला की मुक्ति नहीं, वह हमारी मुक्ति है, हमारी दास्ता की मुक्ति है, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्यों में हम फंसे हुए थे उसकी मुक्ति है। जब दुनिया से सारे दुनिया में लोग आएंगे तो हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हाँ, आप हमारे इस दर्शनीय स्थल को देखने आए हैं। कभी कभी अक्षरधाम में कुछ लोग, मैं जब बाहर जाता हूं तो मुझे कहते हैं, अच्छा आप कहाँ रहते हैं? म्यूर विहार। कहाँ? म्यूर विहार का? अच्छा, उधर अक्षरधाम के पास। हाँ, हम भी गए थे। तो मन में संतोष होता है, अच्छा लगता है कि अच्छा आप इस मंदिर को दर्शन करने आए थे। इस प्रकार जब पूरे विश्व से जहाज उतरेंगे और रामलला के दर्शन करने आएंगे अयोध्या में, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा। बंधुओं, इसके साथ कुछ सामाजिक कुरीतियां भी हैं। उन सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान देना बड़ा आवश्यक। सर्वे हिंदू सहोदरा, हिंदू पतितो न भवेत, ऐसा कहने वाले, इस प्रकार का विचार रखने वाले, भगवान राम जिनके रास्ते में जो भी आया, जिसने उनको छुआ, उनकी कृपा से वह भव सागर से पार हो गया, चाहे वो केवट था या भीलनी थी। वह राम, वह वनों में रहने वाले वानर थे, यानी कि आज आप जिनको कुछ तथाकथित रूप से अस्पृश्य कहते हैं, छोटा कहते हैं, मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है कि हम किसी को अस्पृश्य कहते हैं, छोटा कहते हैं, ये कहां से आया? दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर जो शब्द थोप दिए, हम इतने मूर्ख हैं कि उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, दलित, अस्पृश्य। हिंदू धर्म में कहां अस्पृश्यता, कहां दलित, सभी हिंदू समान है। अगर हम परमात्मा की ओर विश्वास करते हैं तो परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा क्या है? वह सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और उसका एक अंश मेरे अंदर निवास करता है। अगर वह परमात्मा है और मेरे अंदर आत्मा उसका एक भाग है, तो वो सभी के अंदर है, तो सभी इस देश के रहने वाले मेरे भाई हैं। जब भाई हैं तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं इस प्रकार की असमानताएं दिखाई देती हैं, ऊंच नीच के भेद के भाव के साथ जातिगत अस्पृश्यता, जातिगत वैमनस्य होता है। तो बंधुओं, फिर आ जाएंगे अगर पॉइंट नंबर एक पर, डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना किस लिए की? तो संघ की स्थापना उन्होंने इन्हीं विषयों को, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए की थी, अन्यथा इतने बड़े देश पर कोई राज्य कर सकता है? संभव ही नहीं है। तो जो विचार है जातिगत देश, मनुष्य, ये कहां से आया? संघ ने इसका एक बड़ा, एक अच्छा, संघ के जो प्रतिनिधि सभा होती है उसने एक प्रस्ताव पारित किया और एक मंत्र दिया हमारे सामने, एक बहुत छोटा सा मंत्र। उस मंत्र को यदि हम सारे याद अपनी आत्मा के अंदर आत्मसात कर लें और दूसरों को भी इस दिशा की ओर ले चले तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मंत्र क्या है? कि एक पूजा का स्थान, एक पानी पीने का स्थान और एक अंतिम यात्रा का स्थान, यानी कि पूजा के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां भगवान राम का स्मरण है, शास्त्रों का स्मरण है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं। पानी, पानी भी पूछता है कहीं। बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे बताया गया, एक जगह पता लगा कि राजस्थान में एक गांव के अंदर बाहर चार कुएं हैं। जिस प्रदेश के अंदर चार कुएं हैं पर पानी की समस्या, वहां चार कुएं हैं। बोला किसका? बोला एक तथाकथित उच्च जाति का। अच्छा, दूसरा? दूसरा एक तथाकथित दूसरी जाति का, और तीसरा वो बोले कि मुसलमानों का, और चौथा भी इस प्रकार बोला।
अर्थार्थ देखा जाए तो पानी के अंदर भी हिंदुओं ने भेदभाव किया। पिछले दिनों एक जगह बैठक हो रही थी तो दिल्ली के अंदर चार शमशान घाट ऐसे दिखाई मिले।